कि पॉलिटेक्निक जौनपुर इधर जाता है, देख सकते हैं ये रोड जाता है जगदीशपुर और ये रोड जाता है मरियाहू। तो चलिए आपको एंट्री करा। तो हम लोग कॉलेज के अंदर एंट्री ले चुके हैं, देख सकते हैं कि रोड के साइड बाय दोनों साइड प्लांट लगे हुए हैं। तो हमारे कॉलेज में हरियाली बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और यहाँ पे हर साल प्लांट इवेंट होता है। हम लोग भी फर्स्ट ईयर में आए थे तो प्लांट इवेंट में भाग लिए थे और प्लांट लगाए थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब लोग मिला के प्लांट इवेंट करते हैं। तो बस आप देख सकते हो साइकिल स्टैंड है, तो अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर साइकिल स्टैंड। आदमी जितने लोग स्टूडेंट होते हैं अपना साइकिल स्टैंड करते हैं। और देख सकते हो ये पुराना जमाने का, बता नहीं सकते कब का बना है, जब का कॉलेज बना है तभी का हमको लगता है। और यहाँ पर यही है, यहाँ पे कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट दो कोर्ट है, एक में लड़के खेलते हैं एक में टीचर लोग खेलते हैं, और स्पोर्ट इवेंट में बैडमिंटन भी होता है आदि सभी खेल होते हैं। और यहाँ तो यहाँ पे इस साइड देख सकते हैं गार्डन लगा हुआ है। तो हम लोग के कॉलेज में तीन ब्रांचेज चलती हैं, तो तीनों ब्रांचेज के लिए अलग अलग गार्डन लगाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो यही है। और थोड़े अब क्लास में एंट्री लेते हैं, तो क्लास में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन गेट है राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर। तो बस कुछ समय रुकिए और अंदर के आपके को दिखाते हैं अंदर। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. फिर दोस्त हमारे खड़े हो और देख सकते हैं कि इस साइड ग्राउंड का एरिया जो प्लेग्राउंड एरिया है, तो इधर स्पोर्ट इवेंट होता है, तो बहुत ही अच्छा है देख सकते हैं। तो चलिए आपको जूम करके दिखा देते हैं कि देखिए वहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है, तो ऐसे ही बहुत अच्छे खासा है। तो चलिए इधर है हम लोग का कॉलेज का मेन गेट और ये इलेक्ट्रॉनिक भवन है। तो और चलिए हम लोग अब देखते हैं इस साइड इलेक्ट्रॉनिक भवन की ओर हम लोग चलेंगे अब। तो बस तो इस दिन का देख सकते हैं कि हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पढ़ते हैं उन लोग का ये कैंपस है, मतलब इस साइड इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉनिक भवन देख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक भवन आगे हॉस्टल का है, देखिए इधर हॉस्टल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक भवन मतलब कि यहाँ के इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक के जो बच्चे होते हैं वही पढ़ाई करते हैं, तो इन लोग का क्लास है। और देख लीजिए इस कॉलेज है हम लोगों का, तो इलेक्ट्रॉनिक भवन है, इससे साइड ये जाता है हॉस्टल, ये रूट हॉस्टल के लिए जाता है। इधर हॉस्टल जाएगा, इधर ये जंगल वंगल इलाका है, मतलब ये कॉलेज के पीछे की साइड है आगे। तो ये रहा हम लोग के कॉलेज का पावर सप्लाई रूम, तो यहीं से हम लोग के पूरा कॉलेज और हॉस्टल आदि में पावर सप्लाई होती है। देखिए ट्रांसफार्मर है, तो इसी ट्रांसफार्मर से यहाँ से जाता है वहाँ पे और पावर सप्लाई। और इधर देख सकते हो कि नया हॉस्टल और उधर उस साइड पुराना हॉस्टल है। तो चलिए हम पुराना हॉस्टल में इस समय चलते जा रहे हैं पुराने हॉस्टल में। तो यहाँ पर तो हमारे नए हॉस्टल का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे पड़ा है। तो नए हॉस्टल में फैसिलिटी बता दे तो बहुत ही अच्छा है पुराने हॉस्टल की अपेक्षा। तो देख सकते हैं पुराना हॉस्टल उधर है, तो नया हॉस्टल में बता दे कि और बहुत ही तरह से मतलब फर्श वर्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, तो और फैसिलिटी बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पुराने हॉस्टल। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।